हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी आज की स्टोरी है फिंगर्स एंड अ थंब। स्मॉल स्टोरी है, इससे कुछ वर्ड मीनिंग भी दिखेंगे, मोरल भी मिलेगा स्टोरी से और बहुत अच्छी स्टोरी है। सो इसको हम शुरू करते हैं फिंगर्स एंड अ थंब। फिंगर्स मीन्स क्या होता है? हमारी उंगलियां और हमारा अंगूठा, ठीक है। थंब मीन्स होता है अंगूठा। फिंगर्स एंड अ थंब, उंगलियां और एक अंगूठा। वंस ऑल द फिंगर्स ऑफ द हैंड Hanged up against the thumb. Once, एक बार all the fingers, जितनी भी हमारी उंगलियाँ थीं, hanged up, मतलब उन्होंने हमला बोल दिया किसके against? Against means किसी के विरुद्ध या उसके खिलाफ, of the thumb, जो अंगूठा था उसके खिलाफ सभी उंगलियों ने हमला बोल दिया, यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा। The tall and shapely fingers, shapely means क्या होता है? सुडोल, एकदम सही आकार में। फिंगर्स टीज्ड मीन्स होता है चिढ़ाना या छेड़ना। द थंब फॉर बीइंग शॉर्ट एंड स्टाउट, फॉर थंब जो अंगूठा था उसके होने के लिए शॉर्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा था और स्टाउट था। स्टाउट मीन्स होता है थोड़ा सा मोटा, क्योंकि अंगूठा जो होता है वो कैसा होता है हमारा? थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा मोटा होता है। बट फिंगर्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो लंबी होती हैं और एक ही जैसी शेप की होती हैं और सुडोल होती है, मतलब उनका आकार अच्छा होता है और अंगूठा बिल्कुल अलग होता है। सो उन्होंने अंगूठे को क्या करा? चिढ़ाना शुरू कर दिया। अगली थम, अगली थम, अगली मीन्स क्या होता है? भद्दा, ठीक है। अगली थम, अगली थम मतलब गंदा। दे चैंटेड, चैंटेड मीन्स जब हम बार बार किसी चीज़ को बोलते रहते हैं ना, यानी कि गाते रहते हैं, बार बार उसको गाने लेना। दे चैंटेड, वे उसको चिढ़ाते रहे हैं ऐसे। द थंब ग्रे सैड एंड डिसाइडेड टू क्विट देयर टीम, और जो थंब था वो क्या हुआ? वो सैड मीन्स दुखी हो गया और उसने डिसाइड किया, डिसाइड मीन्स उसने तय किया, टू क्विट देयर टीम। क्विट मीन्स होता है छोड़ना, देयर मतलब उनकी टीम को उसने छोड़कर डिसाइड किया। ही सैट देयर और वह बैठ गया अनमूविंग, बिना हिले डुले वो एक जगह साइड में हो गया, अलग हो गया उनसे। When hand needed to ride or hold anything, when मतलब जब hand को हमारे हाथ को ज़रूरत हुई कुछ लिखने की या कुछ hold करने की, कुछ पकड़ने की, it could not, वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? Because the fingers realized that even though the thumb didn't look like them, क्योंकि उनको फिर पता लगा कि जब तक हमारी थंब की हेल्प नहीं होगी तो हम कोई भी चीज़ पकड़ नहीं सकते। तो उनको रियलाइज़ हुआ फिंगर्स को कि ये जो थंब है, थंब के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कम थंब हमारे जैसा नहीं है, बट हमें उसकी ज़रूरत है। ही वॉज मोर यूजफुल देन ऑल ऑफ देम, तो उसे समझ में आया फिंगर्स को कि जो अंगूठा है उसकी हम लोगों से ज़्यादा अहमियत है, यानी कि हम लोगों से ज़्यादा वो उपयोगी है। अंगूठा नहीं होगा तो हम पेंसिल नहीं पकड़ सकते, हम पेन नहीं पकड़ सकते, तो ये चीज़ किसको समझ में आ गई? फिंगर्स को। द फिंगर्स अपोलोजाइज टू द थम एंड द हैंग अप बिगेन वर्किंग अगेन, फिर उन्हें क्या करा फिंगर्स ने? अपोलोजाइज किया, यानी कि उनसे माफ़ी पर मांगी, किससे? थंब से। एंड हैंग बिगिन वर्किंग अगेन, और फिर उन्होंने दोबारा से एक साथ मिलजुल करके काम करना शुरू कर दिया। सो मोर ऑफ दिस स्टोरी इज यूटिलिटी, यस यूटिलिटी मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्यूटी, यानी कि उपयोगिता जो होती है, ज़रूरत जो होती है हमारी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें किस चीज़ की? हमारी खूबसूरती से ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि सुंदरता से महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है? उपयोगिता। अगर आप कुछ भी चीज़ अच्छी कर सकते हैं तो हमारी सुंदरता वहाँ मायने नहीं रखती है, हमारा काम, हमारी उपयोगिता मायने रखती है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, बट हमने स्टोरी के अंदर कितने सारे न्यू वर्ड सीख लिए हैं ना। सो फर्स्ट वर्ड जो हमने इसमें सीखा है, फिंगर्स, फिंगर्स मीन्स उंगली, गैंग्ड अप मतलब हमला करना, शेपली मीन्स सुडोल, छेड़ना मीन्स टीज, स्टाउट मीन्स मोटा, अगली मीन्स भद्दा, चैंटेड मीन्स गाना, डिसाइडेड मीन्स तय किया, क्विट मीन्स छोड़ना, अनमूविंग मीन्स बिना हिले डुले, नीडेड मीन्स ज़रूरत, रियलाइज मीन्स महसूस, दो मीन्स हालांकि, यूजफुल मीन्स उपयोगी, ठीक है। अपोलोजी मीन्स माफ़ी मांगना, बिगिन मीन्स शुरू कर देना, उपयोगिता मीन्स यूटिलिटी, ठीक है, महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट, सुंदरता यानी कि ब्यूटी।
सो फ्रेंड्स, इतने सारे हमने इसके अंदर वर्ड सीख लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, ये वर्ड मीनिंग कैसे लगे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ेंगे, 2 से 3 बार भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें से बहुत सारे वर्ड याद हो जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।